सिरमौर जिला में शनिवार को शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने अखंड शिक्षा ज्योति मेरे स्कूल से निकले मोती योजना की शुरुआत की। कार्यक्रम के दौरान 16 शख्सियतों को सम्मानित किया गया। खास बात ये थी कि योजना की शुरुआत उस स्कूल से की गई जो कई दशकों का इतिहास समेटे हुए हैं। करीब 200 साल पुरानी राजकीय शमशेर वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नाहन में आयोजित सम्मान समारोह के दौरान 16 शख्सियतों को अखंड शिक्षा ज्योति मेरे स्कूल से निकले मोती योजना के तहत सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वालों में रिटायर्ड IAS अधिकारियों से लेकर कई बड़े नाम शामिल थे। रिटायर्ड अधिकारियों ने सरकार की योजना की तारीफ की और कहा कि निश्चित तौर पर योजना छात्रों के लिए प्रेरणा का काम करेगी। साल 1959 में शमशेर स्कूल से 10वीं की शिक्षा ग्रहण कर चुके शिक्षाविद अमर सिंह चौहान ने बताया कि ऐसे लोगों का अपने स्कूल में पहुंचना बेहद प्रेरणादायक है, जिन्होंने बड़े स्थान पर पहुंचकर महारत हासिल की है। उन्होंने कहा कि न केवल बच्चों को प्रेरणा मिल रही है बल्कि उनके लिए भी दोबारा स्कूल में पहुंचना किसी बड़ी खुशी से कम नहीं है। ये अखंड शिक्षा ज्योति मेरे स्कूल से निकले मोती एक नई और बहुत सुंदर शानदार योजना हिमाचल सरकार ने शुरू की है। मैं जब इस स्कूल में आया 1959 में, मैं शिलाई से आया और पैदल ही यहाँ तक पहुँचा। 2 दिन लगे थे मेरे को यहाँ पहुँचने में। यहाँ और वहाँ के स्कूल में बहुत बड़ा अंतर था वातावरण में। इससे प्रेरणा का कारण करेगी जब हम देखते हैं कि मेरे स्कूल के विद्यार्थी अच्छे निकल रहे हैं तो मुझे एक प्रेरणा मिलती है। मंच से अपने संबोधन के दौरान जहां शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने इस योजना को सफल बताया, वहीं हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने इस योजना को शानदार बताते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज को बधाई दी। आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी को और आदरणीय सुरेश भारद्वाज जी को, जिन्होंने इतनी शानदार योजना शुरू की, अखंड ज्योति, अखंड शिक्षा ज्योति मेरे स्कूल से निकले मोती। यानी डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी ने शिक्षा इस स्कूल से प्राप्त की और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री बने, प्रदेश निर्माता कहलाए, पहले मुख्यमंत्री बने और विकास की लकीरें खींची उन्होंने। ऐसे सभी लोगों को स्मरण करने के लिए एक नई योजना का सूत्रपात भारद्वाज जी आपकी सरकार ने किया। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद। वो शिक्षा के क्षेत्र में गया तो कॉलेज में, स्कूल में प्रिंसिपल, उच्च अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों में जो है वो उन्होंने सम्मान प्राप्त किया और एक सर्वेजी का दर्जा प्राप्त किया। हम जिस मिट्टी से जो है वो निकले हैं, जहां से पढ़ाई की है हमने, उसे जो है वो कुछ दे पे बैक स्टार्ट के आधार पर हिमाचल प्रदेश के नए युवा और गतिशील मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर जयराम जी ने अपने बजट भाषण में जो है वो शिक्षा विभाग के एक नई योजना की घोषणा की। इस योजना को चलाने के पीछे सरकार की मंशा है कि इससे जहां नए छात्रों को स्थान पर पहुंचे शख्सियतों से प्रेरणा मिलेगी, वहीं कुछ लोग आर्थिक मदद को आगे भी आ सकते हैं। शमशेर स्कूल की स्थापना 1783 में तत्कालीन शासक शमशेर प्रकाश ने की थी, जिसे साल 1957 में हाई स्कूल का दर्जा प्राप्त हुआ। वहीं सन 1986 में ये स्कूल वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल बन गया। स्कूल से हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर YS परमार और पूर्व राज्यपाल अश्विनी कुमार जैसे कई अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों ने शिक्षा हासिल की। यहां से देश के करीब 7 स्वतंत्रता सेनानी, 13 IAS, 5 IPS, 2 राज्य मंत्री, 3 सांसद और आधा दर्जन के करीब लेफ्टिनेंट दिए हैं। सिटी चैनल के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।